हेलो दोस्तों, तो अगर आप या आपका कोई दोस्त उन लोगों में से हो जिन्होंने रिसेंटली OnePlus 6 खरीदा था और तब से आप लोग खुश थे बहुत कि अरे हमारे पास 2018 का बेस्ट स्मार्टफोन है, अरे दूर चलो बाकी लोग गरीब लोग, अगर आपका वैसा वाला सीन चल रहा था तो मैं आपको बता दूं कि कटने वाला है हम सबका, क्योंकि 3-4 महीने ही अभी हुए हैं OnePlus 6 को सही से मार्केट में आए हुए और ऑलरेडी OnePlus 60 आने वाला है। तो काफी टाइम से बहुत सारे लीक्स, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं 60 के बारे में, क्या क्या फीचर हैं उसमें, क्या चेंज हो रहा है, क्या नहीं चेंज हो रहा है। तो अब एक महीना रह गया है, मिड अक्टूबर के अराउंड उसका लॉन्च है, तो हमने सोचा एक फाइनल वीडियो बना देते हैं जिसमें आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या फीचर्स आने वाले हैं OnePlus 60 में, क्या क्या चीजें सच थी, क्या क्या चीजें झूठ थी। तो चलिए शुरू करते हैं। रुकिए, वीडियो शुरू करने से पहले भूलिए नहीं हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं फोन के डिजाइन की। तो अब हमें काफी टाइम से पता है जैसे ओप्पो के फोन और वीवो के फोन में वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच आ रहा है, तो OnePlus 60 में भी वैसा ही नॉच आने वाला है और OnePlus 6 के मुकाबले बहुत छोटा हो जाएगा नॉट, 6.4 इंच की स्क्रीन हो जाएगी, फुल HD रेजोल्यूशन रहेगी, एमोलेड स्क्रीन है और बहुत अच्छी लुक आ रही है इससे, इस फोन को ऑलमोस्ट एज टू एज खींच चुका है पूरा डिस्प्ले। और एक और चीज थी डिजाइन में, लोग पहले बात कर रहे थे कि ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आने वाला है फोन, बट मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है, डुअल कैमरा के साथ ही आने वाला है फोन, मोर और लेस सेम डुअल कैमरा सेटअप होने वाला है जो OnePlus 6 पे था, बट इस बार शायद उसमें AI फीचर्स ऐड होने वाले हैं तो कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ी सी और इंप्रूव हो जानी चाहिए। अगला रूमर जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है वो था OnePlus 60 में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट स्कैनर आने वाला है, और अब हम आपको बता सकते हैं कि वो एक्चुअली सच है, OnePlus ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है। और अगर आप एशिया कप के मैचेस देख रहे होंगे तो उसमें आपने अमिताभ बच्चन जी का एड भी देखा होगा जिसमें वो बात कर रहे हैं अ न्यू वे टू अनलॉक योर फोन, और वो वही सेम चीज है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आने वाला है। बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस पे मतलब इतना एक्साइटेड होने वाली बात तो नहीं है, क्योंकि OnePlus 6 का फेस अनलॉक इतना फास्ट है, मैं तो इस पे भी फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज नहीं करता हूं, तो इन डिस्प्ले आने से भी ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैं तब भी शायद फेस अनलॉक ही ज्यादा यूज करूंगा। तीसरा रूमर जो काफी चल रहा था वो था कि OnePlus 60 में हेडफोन जैक नहीं होगा, और अब यार बड़े दुख के साथ मेरे को आपको बताना पड़ रहा है कि ये न्यूज सच है, क्योंकि Amazon पे OnePlus ने ऑलरेडी एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया है अपने बुलेट ईयरफोन जो है टाइप सी के, तो इसका मतलब साफ है कि OnePlus 60 में हेडफोन जैक नहीं होने वाला है। OnePlus 6 के टाइम पहले वायरलेस बुलेट ईयरफोन लॉन्च करे OnePlus ने और अब टाइप सी वाले बुलेट ईयरफोन लॉन्च कर रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि भाई OnePlus भी एप्पल की तरह पैसा कमाना चाहता है, वो चाहता है कि आप अलग से वो वाले ईयरफोन खरीद लो, तो हेडफोन जैक आपको OnePlus 60 में नहीं मिलेगा। अगली चीज आ जाती है प्राइस की। देखिए प्राइस का अभी ऐसी इंफॉर्मेशन कुछ लीक नहीं हुई है, बट जितना हमें अभी तक पता चला है उसके हिसाब से प्राइस इसका टेक्निकली $50-60 ही एक्स्ट्रा है OnePlus 6 से, तो OnePlus 60 का प्राइस इंडिया में 36,000-37,000 के अराउंड होना चाहिए, और इस बार शायद एक चीज कर सकता है OnePlus कि 512GB वेरिएंट भी लॉन्च करे OnePlus 60 के साथ, तो ओवरऑल प्राइस शायद 48,000-50,000 तक जा सकता है जो टॉप एंड वेरिएंट होगा उसका। अब बात कर ही रहे हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो बाकी स्पेसिफिकेशंस में ज्यादा कुछ चेंज नहीं होने वाला है, स्नैपड्रैगन 845 जो OnePlus 6 में था वही OnePlus 60 में आने वाला है, रैम ऑप्शन सेम होंगे 6GB 8GB, स्टोरेज ऑप्शन शायद 64GB 128GB 256GB और एक टॉप एंड 512GB वेरियंट भी हो सकता है, डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, ये गंदा सा नॉच चला जाएगा, वाटर ड्रॉप नॉच आएगा, 6.4 इंच का फुल HD प्लस पैनल है, एमोलेड स्क्रीन, OnePlus 6 की भी बहुत अच्छी थी तो OnePlus 60 से भी हमें वही उम्मीद है स्क्रीन अच्छी होने वाली है। कैमरा स्पेसिफिकेशन में मोर और लेस कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, हाँ बट कुछ AI फीचर्स जुड़ जाएंगे, ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी। तो ये थे OnePlus 60 के रूमर्स सारे, आपको क्या लगता है जो इंप्रूवमेंट्स हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, वाटर ड्रॉप नॉच है ऊपर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्या इनकी वजह से OnePlus 60 बनता है OnePlus 6 से बेटर, क्या इनको खरीदना बनता है, और हेडफोन जैक हटा दिया है कंपनी ने उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छा नहीं लगा ये डिसीजन, मुझे लगता है कि OnePlus तो एक वैसा फोन होना चाहिए था जो सारी चीजें वो दे रहा है जो यूजर्स मांग रहे हैं, और हेडफोन जैक उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो आपके क्या व्यूज है OnePlus 60 पे, आप एक्साइटेड हो या नहीं, आप खरीदने वाले हो ये फोन या नहीं, या और कौन सा फोन है जो आपको लगता है कि OnePlus 60 को टक्कर दे सकता है, जरूर बताइए कॉमेंट्स में। तब तक के लिए